लेकिन आप फाइन में जब तक लगाएंगे जब तक सख्ती नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं। चालान बता दो, 2,000 रुपए दूंगा अगर उसका चालान देंगे तो। देर से दिले जाना अगर उनका चालान नहीं बताओ उसका चालान क्यों, वो खाना बड़ा आदमी है। अचानक बाजार में आए, मेन मार्ग से मेन एंट्रेंस से नहीं आए, बाजार से गली से निकल के आए, वहाँ से आके और फाइन ज्यादा से ज्यादा फाइन लगाया जाए। अरे सर रोड़ी फेंकी जा रही उनके लिए बोलते हैं। क्या नाम है आपका? ऊपर भी तो लगा रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम विकास है। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। प्रशासन का डंडा एक बार फिर से चल गया है टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के खिलाफ। काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। लोगों की भारी शिकायतों के बाद आखिरकार देर से ही सही प्रशासन जाग गया। इससे पहले भी तत्कालीन DC यशपाल यादव व मणिराम शर्मा, उन्होंने भी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हटाने को काफ़ी प्रयास किए थे, काफ़ी हद तक सफलता भी मिली थी। लेकिन कालांतर में अब जबकि इस समय दौर चल रहा है, बाजार में टेम्परेरी इंक्रोचमेंट काफ़ी बढ़ गया था। खुद दुकानदारों ने, बल्कि 70% दुकानदारों ने शिकायत की थी कि अतिक्रमण बहुत है। वजह साफ है, कई सालों से लगातार दुकानदार ये कहते आ रहे हैं और साथ में कॉलोनियों के लोग भी, पुरानी बसावट के लोग भी, जिनमें नीमतला, काजीवाड़ा, गुप्तागंज आदि के लोग, उनकी शिकायत ये रहती थी भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, यहाँ तक कि आग भी लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती है। आज SDM वैशाली सिंह का दस्ता पूरे अमले के साथ पहुँचा। हमारे पास भी सूचना आई कि UP के योगीनाथ का बुलडोजर जिस प्रकार से चला है, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का भी बुलडोजर पलवल में शुरू हो चुका है। बहरहाल ये तो थी बात कहने की। SDM वैशाली सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल आज मीनार गेट से बाजार की ओर एंटर हुआ। बाजार में तमाम टेम्परेरी इंक्रोचमेंट हटाए गए, जिनमें से तखत और पक्के फड़ शामिल हैं। पक्के फड़ वालों को चेतावनी दी गई कि अपने फड़ हटा दें और तखत वालों को कह दिया गया कि आप अपने तखत ना लगाएं जो बाहर ज़्यादा फैले हुए हैं। कई दुकानदारों ने तो ये आरोप लगाया कि प्रशासन ने पक्षपात किया है, जबकि कईयों ने ये कहा कि उनको तो बेवजह इस मामले में घसीटा गया। कई बार तो प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा, पक्षपात का। एक दुकानदार ने यह आरोप लगाया कि प्रशासन अगर BJP के सत्ता पक्ष के दुकानदारों के चालान दिखा दे तो वो दुगना जुर्माना भरेंगे। कई दुकानदारों ने तो ये भी कहा कि प्रशासन देर से जागा है, उसको तो पहले से ही जागना चाहिए था। बाजार में हमने सर्वे किया तो ग्राहकों का कहना था कि वास्तव में हमें यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, बाजार से पैदल निकलने की भी जगह नहीं बचती है, जबकि दुकानदारों ने आगे तख्त लगा रखे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन दिन तख्त पे लगा रखे हैं। हाँ जी, आप जाओ तो दुकानों भी रखेगा।
इससे पहले एक दुकानदार को हिदायत देते हुए एसडीएम वैशाली सिंह ने कहा कि अपने तख्त को बाहर मत लगाया करें, क्योंकि हम अक्सर इधर से गुजरते हैं तो तख्त आपका बाहर लगा होता है। दुकानदार ने कहा कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मैडम आज क्या कर रही है? आज की जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों के हद से आगे सामान रखा है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, जन को असुविधा होती है। तो हमने पिछले एक हफ्ते से लगातार मुनादी कर रही है। आज हमने एक वार्निंग की तरह एक्शन लिया है कि लोग अपना अपना सामान अंदर जाए, और आने वाले समय में हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे ताकि लोग इस पर अमल करें। टेम्परेरी एक इंक्रोचमेंट में क्या क्या पाया आप लोगों ने आज? बाहर तख्त लगा के सामान रख लेते हैं हम, ये जो भी अपना सामान बाहर रखते हैं जी ग्राहकों को जोर करने के लिए। अच्छा, कुछ ये भी है कि यहाँ पर दो बाजार में दुकानदारों के गुट भी बने हुए हैं, पीछे रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती, कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ पाती, कुछ भी नहीं निकल पाता है, और गर्मी का समय आ रहा है, कभी कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है, तो हमारी दमकल की गाड़ी भी नहीं पहुँचती, इन्हीं कारणों से हमने कार्रवाई। मैडम थैंक यू, टाइम टू टाइम होते रहेगी कार्रवाई या समय टू समय हम ये करते हैं। मेन बाजार के दुकानदारों ने धन्यवाद भी किया जिला प्रशासन का, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है। दुकानदार खुद भी परेशान है, ग्राहक ऐसी जगहों पे आना नहीं चाहता है जहाँ गाड़ी लाने की जगह ना, ग्राहकों का भी नुकसान कुछ चंद लोगों की वजह से, हमें चंद लोगों को समझा रहे हैं। रेगुलरली करेंगे पर आपका साथ है, हमारा साथ है, हम आपसे बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की कार्रवाई का तमाम दुकानदारों ने सहयोग किया हो, धन्यवाद किया हो, बल्कि कई जगह तो दुकानदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। एक जगह विरोध का आलम यह था कि दुकान के बाहर खड़ी दुकानदार की स्कूटी का चलान हुआ तो दुकानदार गुस्से बाहर आ गया और प्रशासन से उलझने लगा। यह देख उसके परिजन व पड़ोसी दुकानदार उसे खींच कर वापस दुकान में अंदर ले जाने में कामयाब रहे। बताया गया कि दुकानदार को किसी ने कहा था कि उसकी स्कूटी का 15,000 या 25,000 का चलान हुआ, यह सुनकर वो काफी आहत हो गया था। इस दुकानदार के विरोध को देखकर कुछ पुलिस के कर्मचारियों ने आंखें तरेर कर उसको वापस अंदर जाने को कहा। इधर प्रशासन को दुकानदार के स्कूटी के चलान का विरोध झेलना पड़ा तो आगे जाकर पक्षपात का आरोप भी झेलना पड़ा। दुकानदार ने स्पष्ट आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के दुकानदारों का प्रशासन ने चलान नहीं किया है। एक दुकानदार ने उत्तेजित होकर तो इतना कहा कि सत्ता पक्ष के दुकानदार का चलान दिखाएं, वो दूसरा चलान भरने को तैयार हैं। प्रशासन चलान नहीं दिखा सका। अपनी अपनी क्या बात हो गई भाई साहब? बतानी जी कच्चे मेन बात मिनार गेट पे जो बताने हैं, 5 फुट वहाँ से 5 फुट वहाँ से, हमने कहा हमारा इन्होंने इसका भड़का हुआ कार्य चालान, हमने कहा आप अपनी मना की उसको दिखाओ हमको कि आपने उसका चालान काटा है या नहीं काटा। किसका जी? मंगला पवन मंगला का। अच्छा, 5 फुट आगे हमारी 2 फुट है, उस पे उन्होंने चालान काट दिया, उसका कोई चालान नहीं है, उसका कोई चालान नहीं है, हम बेवकूफ है, वो बेक है तो पक्ष में तो हमको स्वागत रखी है क्या? तो क्या आप ये दूसरी बात, और हम टैक्स भर रहे हैं, किस चीज का भर रहे हैं? कल को कोई आग लग जाता है, दुकान में आग लग जाए, मेरी दुकान में आग लग जाए, 10 फुट दुकान घेर लिया उन्होंने, कल को बाइक का फायर उड़ा आ जाएगी दुकान पे, हम किस बात का टैक्स भर रहे हैं? फायदा वो उठा रहे हैं।
यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली ये रखने से इससे क्या इसके ऊपर चालान काट के हमारे हजार रुपए का दूसरे से हुआ क्या सर ये बताइए। भाई आज ये चबूतरा नहीं बना, मेरे ख्याल में 20-25-30 साल पहले बने होंगे। तो क्या चालान हुआ है? चालान हुआ है, इसका चार रुपए का चालान हुआ है, इनका हुआ है। हमने तो नाली के ऊपर 2 फोटे हुए, 5-5 फोटे, उनका कोई चालान नहीं है, हमारा चालान है। इनका भी हुआ चालान। ये बताओ, एक तो रेंट दे, अगर रेंट नहीं, अगर हम दुकान में आसमान लगाएंगे नहीं। क्या नाम है आपका? देखेंगे क्या? आपका नाम क्या है? उसका हमने उनका चालान ही नहीं दिखाया, उनका चालान दिखा दो, 2,000 रुपए दूंगा अगर उसका चालान दे तो। मेरे से भी ले जाना अगर उनका चालान भी बताओ उसका चालान क्यों? वो घना बड़ा आदमी है। क्या वजह इसके पीछे क्या हो सकता है? पीछे उसका भाई बैठा है मंगला की पटमला, पीछे उसका भाई बैठा है मंगला की पटमला, पीछे उसका भाई बैठा है मंगला की पटमला, उस वजह से राजनीति हो रही है सभी शरारतों यहाँ। क्या बात है? कलेसर रोरी फेंकी जा रही है सर, हम सड़क पे खड़े होकर कलेसर रोरी फेंकी जा रही है, उनके लिए बोल रहे हैं। क्या कहते हैं देखो, कितनी रोड है, कितनी। क्या नाम है आपके ऊपर भी तलवार है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं जी? क्या कहते देखो, कितनी रोरी कलेसर पड़ी है, उनके लिए बोल रही है, एक बाजार के लिए सब कुछ करता है। वजह क्या है इसके पीछे? क्यों के लिए नाम नहीं है बाजार का, हटाओ जी सफाई को हटाओ, एक एक सप्ताह में सुपर आते हैं, क्या कम्प्लेक्स है? सारी गंदगी है, सारी नाली भरी पड़ी है, क्या कम्प्लेक्स है? अरे हमारे दुकान में कस्टमर के साथ उसमें कमाई कर दिया, उसमें की दुकान थोड़ी कमाड़े की दुकान है, लेडीज के लिए बाथरूम करने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। बस पैसे 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 खड़े करेंगे, रामगढ़ जी मचान कैसे दिखाएंगे बताओ। हमारी बहन बेटी आती है, प्रसाद करने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। क्या बाजार है, क्या प्रसाद करना है? आतंक मचा रखा है, पैसा कमाना सही, बस खाली फोन दीजिए। प्रशासन प्रशासन है, ये थोड़ी ना प्रशासन है। आप सुन गए, आप आ रहे हैं? ओ भैया, ओ चलो छोटू, भीड़ मत करो, चलो। आप अचानक आइए यार, कहाँ से शुरू कर दिए? अचानक कहीं से बीच में कहीं आए? आप जब फाइन लगाइए दुकानदारों के, आपको मर्द नहीं करना, हम किसी में लेकिन आप फाइन में जब तक लगाएंगे जब तक सख्ती नहीं करेंगे कोई बात नहीं। सर जी अंदर है, बाहर कहाँ है? कोई फायदा नहीं, फायदा क्या? आप तो हटा ही देंगे सभी, नहीं कार्रवाई तो कर रहे हैं अपन प्रशासन। क्या फायदा ऐसी कार्रवाई से? ऐसी कार्रवाई से कोई फायदा नहीं है, टोटली बेवकूफ बनाया गया। गांधी जी मैंने रिक्वेस्ट करी थी एंटी माउंटे से, तो उन्होंने कहा कि मैं अचानक कैसे आ जाऊं, अचानक जाना पड़ेगा अगर एनक्रोचमेंट हटवानी है तो। ऐसे कोई फायदा नहीं है, दुकानदार नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। दुकानदार ने क्या क्या एनक्रोचमेंट कर रखी है? दुकानदार ने आधी सड़क घेर रखी है, और इससे ज्यादा क्या होगी? आप भी बाजार से निकलते हैं, पहले भी कार्रवाई हुई है, पहले भी आपने वीडियोग्राफी करी है, अब देखिए मेरे पास वीडियोग्राफी है। फिर सोल्यूशन क्या है इसका, ये बताइए। सोल्यूशन ये है, अचानक बाजार में आए, मेन मार्ग से मेन एंट्रेंस से नहीं आए, बाजार से गली में से निकल के आए, वहाँ से आके और फाइन ज्यादा से ज्यादा फाइन लगाया जाए। नहीं, ये आप दुकानदार क्यों नहीं सोचते? यश मंगला जी, आप सुझाव तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आप खुद क्यों नहीं सोचते इस बात को कि आपकी जिम्मेवारी है? नहीं, हमारी जिम्मेवारी ठीक है, लेकिन हम आपस में दुकानदार नहीं लड़ सकते ज्यादा, हमारा कोई सुनता नहीं, कह लो एक बार, कह लो दो बार, कह लो, नहीं मानते ही नहीं। अगर आप दुकानदारी इंक्रोचमेंट ना करें, जैसे कि आप कह रहे हो इंक्रोचमेंट कर रखी है, तो प्रशासन को आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। तो वही तो कह रहे हैं कि आप क्यों करते हो इंक्रोचमेंट? मैं जागरूक नागरिक हूं, इसलिए कह रहा हूं। नहीं, आप इंक्रोचमेंट क्यों करते हो दुकानदार? हम नहीं करते दुकानदार, हम सारे शामिल नहीं है उसमें, चुनिंदा दुकानदार है, 90% दुकानदार शामिल नहीं है उसमें। तो कमाल है, 90% हावी है, 10% दुकानदार हावी है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं तो ज्यादा कहो तो वो रहेगा। हाँ, जब तक प्रशासन बहुत कदम नहीं उठाएगा जब तक रहेगा। एग्रोचमेंट हटाई जा रही, क्या कहेंगे आप? सारे यहाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है,
औचक निरीक्षण करें, ये अगर आना है तो ऐसे तो आगे से सारी हटी गई है, तो बेवकूफ बना रहे हैं, टोटली बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये कार्रवाई ऐसी होती तो रहनी चाहिए, नहीं होती? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा। समय समय पर अचानक कार्रवाई होना चाहिए और बीच बीच में जाना चाहिए इनको। अच्छा, ये तो हटाते आ रहे हैं, लोगों ने हटा लिया, उससे फायदा क्या? परेशानी तो आम दिनों में होती है ना।